अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये इस टाइम तकरीबन सुबह के 10 बज रहे हैं, तो अभी मैंने अपना काम सारे घर का कंप्लीट किया। अभी ये वाला कैबिनेट टूटा हुआ था, इसको थोड़ा रिपेयर किया क्योंकि काम नाम से सही जुड़ता है। अभी तो मैंने इसको टेम्परेरी, इसका डोर बंद हो जाए इसकी वजह से इसको रिपेयर किया अभी बैठ के। खैर, दूसरा ये कि आज आपके साथ पूरे दिन की एक्टिविटी भी शेयर करेंगे, जो रूटीन होगी। आज तबीयत कुछ नरम गरम है, वो इस तरह के मैदे में बहुत दर्द हो रहा है। फ्राई हुई भी चीज़ खा लूँ तो स्टमक पेन बहुत स्टार्ट हो जाता है। तो खैर चले अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अभी इस्मा पढ़ रही है, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा चाय वगैरह पी के रेस्ट कर लूँ, फिर उसके बाद हम किचन में जाएँगे। बस थोड़ा सा काम है, इतना काम नहीं है, आज काफ़ी हद तक क्लोज है काम। तो ये है कि दिन को चावल बनाए थे, तो अभी दिल कर रहा है वो थोड़े से चावल चाय के साथ लेते हैं। अच्छा, तो इस टाइम मैं किचन में आ गई हूँ। किचन मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, बस थोड़ा सा रह गया था। बर्तन क्लोज कर रही थी, दिखाती हूँ आपको मैं। ये सारा मैंने यहाँ पे इस तरीके से सारा रैक सेट कर लिया। अच्छा, इसमें रख देती हूँ ना धो के, जब वो ड्राई हो जाते हैं बर्तन, फिर उन्हें उनकी जगह पर मैनेज करके रख देते हैं। अच्छा, ये खुशके वाला डब्बा जिसमें मैंने ये चीज़ें, नमक मिर्चों के, ऐसी चीज़ें जो मुझे तकरीबन रूटीन में ज़रूरत होती हैं, वो मैं यहाँ सामने ही रखती हूँ। अच्छा, ये देखिए जी, चाय जो है हमारी वो रेडी हो गई है। बस अभी डालते हैं। और ये देखिए, ये भी एरिया मैंने कंप्लीट कर लिया, सारा काउंटर क्लीन हो गया किचन का। अच्छा, मुझे काउंटर क्लीन ही पसंद है। चाय मैंने चीनी पत्ती दूध डाल के रख दी है। अब चाय जब तक होती है तो तब तक थोड़ा सा किचन क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ना बड़े वाले मग में चाय पी के जो मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो छोटे कप में नहीं होती। ये भी लाने वाला हुआ हुआ स्टेनर, ये देखें इसमें छेद जो हैं वो कितने हो गए हैं, पत्ती वगैरह निकल जाती है। ऑलमोस्ट किचन क्लीन है, मैंने बर्तन वॉश किए थे लेकिन समेटे नहीं थे। अभी ये देखें प्लेट्स वगैरह, इन्हें समेटते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया था तो आपको भी समेट के फिर दिखाते हैं। अच्छा, तो किचन मैंने जैसे आपको बताया क्लीन कर लिया, और अब मैं चाय जो है वो डाल रही हूँ। चाय डालूँ फिर उसके बाद अंदर लेके जाते हैं चाय। हमेशा ज़्यादा चाय बना लेती हूँ ताकि अगेन जब कमरान फरमाइश करें तो चाय मुझे ना बनानी पड़े, क्योंकि आधे घंटे घंटे बाद ना इन्होंने लाजमी कहना होता कि चाय और है तो दो मुझे। फिर मेरा दिल नहीं करता कि किचन में आके अगेन काम शुरू करूँ, फिर बनाऊँ चाय। इतने अरसे में ना अंदाज़ा हो जाता है आपको किसकी क्या नेचर है, फिर उसके मुताबिक आप मैनेज करते हैं। किचन सारा क्लीन हो गया, अब इंशाल्लाह इवनिंग में आएंगे, शाम में किचन में। इस टाइम पे सारा काम हो गया, साथ साथ जरा अपना काम फारिग करके समेट के इजी हो जाता है। और ये देखिए जी, चाय रेडी हो गई है और मैं अपनी और कमलान की चाय डाल के लिए आई हूँ। अभी हम लोग चाय पियेंगे और शाम की चाय को इंजॉय करेंगे। तो चले रखते हैं यहाँ पे। अब इस टाइम बच्चे सब स्कूल चले गए, तो मैंने सोचा कि काम अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत फैला हुआ था रूम, बिस्तर वगैरह मैंने सारे सीमेंट किए, तो चले मैं रूम की सेटिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। अच्छा, मैं ये देख रही थी कि कितना ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाता है अब सर्दियों में सुबह के टाइम उठना, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कि मॉर्निंग में उठना। क्या, अच्छा मैं आपको दिखाऊँ ये वाला ड्रेस मुझे मेरी खाला ने ले दी है। ये शर्ट है, ये इस तरीके से कलर बहुत डिफरेंट है। वैसे इसमें ब्लू था कलर, और था इसमें थैरें, और कौन सा कलर था, मैरून था। उसकी वजह से ना मैंने फिर ये थोड़ा चेंज लिया। कि आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा कलर भी, और इसका
स्टाफ बहुत मज़े का था। कहा चलें इस दफ़ा चेंज कलर पहनते हैं, अभी पहले घर की क्लीनिंग वगैरह से फारिग हो जाऊँ, फिर उसके बाद जो है मैं इसको आयरन करूँगी, फिर इसको दे के आऊँगी आज या कल इसको। और रूम की काफ़ी अच्छा चीज़ें मैंने सीट ली, तो अभी ये है कि बस बेडशीट वगैरह वो क्लीन करनी है। चलिए जी, अब मैं इस वाले रूम में आ गई और इसमें आपको पता अलमारी पड़ी हुई और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये रात को बच्चों से फिर टूट गया था ये वाला कैबिनेट, ये भी मैं जोड़ूंगी। इसके लिए ये मैंने टेस्टर निकाल ली, इसको जोड़ते हैं बैठ के और आपको साथ दिखाते हैं। बच्चों के जो है ना बस यही काम है, इनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि किस चीज़ को कितनी और आजमाई की ज़रूरत है। इसकी बुक्स जितनी मर्जी संभाल लूँ, ये रोज़ सुबह मुझे संभालनी होती है हर हाल में। इस बच्चों के साथ जो है ना आप समझ लें कि ये पूरा दिन मसरूफ होता है। और आज मैंने मैदे में इतनी शदीद दर्द हो रही है, मैदे में दर्द के लिए सोच रही हूँ कि मेडिसिन ले लूँ। काफ़ी देर से फील कर रही हूँ कि अभी आराम आ जाएगा, लेकिन अब इसको जोड़ते हैं इसके कैबिनेट को, इस वाले बुक्स वाले। अच्छा ये बात है, कामदान अगर जोड़ते ना तो उनसे बहुत मजबूती से जुड़ता है, या शायद इन्होंने जोर आजमाई बहुत ज्यादा की है बच्चों ने। एक या दो भी लग गए तो एडजस्टमेंट हो जाएगा।
अच्छा तो व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा है कि आज हमने आपके साथ मैंने अपने पूरे रूटीन जो है वो शेयर की है, तो आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसी लगी मेरी रूटीन, ब्लॉग कैसा लगा, अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।